वीर जी, आप मेरे बड़े भाई हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, वही सब कुछ है मेरे लिए। बड़ा मूडी है मेरा बड़ा बेटा, ना टेम्परमेंटल है, लेकिन मेरे को पता है अंदर जाके जश्न मना रहा होगा। आप लोग भी खा पी के जाइएगा इधर से, हैं? कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बोले राम जी, सारे को लेके जाओ, आओ जी, आओ जी, खाना करते आओ जी। पिता जी, भावुक नहीं होना है, अभी अभी उन्हें कसम खाई थी ना, खुद को रिश्तों से ऊपर रखना है कि नहीं। मैंने सबको इसलिए बाहर भेज दिया क्योंकि मुझे ना एक पर्सनल बात करनी है फैमिली की, बड़ी जरूरी बात है, मैंने करनी थी लेकिन अरविंदर चला गया। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, कोई ऐसा है कि सारी दुनिया जानती है कि बग्गा खानदान के जो आदमी है ये बेखौफ है, औरतें भी उतनी मजबूत होती हैं। भाई जब जब मुझ पे आफत आई है, जब जब मुझ पे तकलीफें आई हैं, मेरी वोटी जो है ना अरमन, ये ना ढाल बन के खड़ी रही है मेरे साथ। जैसे ये मेरी वोटी, वैसे तेरी वोटी है जूनी। पुत्र मेरे पास आना। तू भाई जीती रह, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अजूनी ने हमारे फैमिली के लिए, हमारे घर के लिए क्या क्या किया है। इसलिए आज मैं फैसला ले रहा हूं कि इस घर की पूरी जिम्मेवारी आज से अजूनी संभालेगी। पापा जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अमन भाभी वो इस घर की बड़ी बहू है और ये सिर्फ उनका ही हक है। अजूनी अमन मां बनने वाली है और अभी उसको घर के काम से ज्यादा खुद का ख्याल रखना चाहिए। अजूनी, तूने मैनू हर वक्त संभाला है, तेरे बड़े एहसान है मुझ पे जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आगे जाकर जो सबसे पहले मेरी फिक्र करेगा वो तू ही होगी, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी तू ले। लेकिन भाभी, मैंने ना सबकी बातें सुन ली हैं, अब मेरा फैसला है, फाइनल जिसको कहते हैं। भाई इस घर की जिम्मेवारी एक नहीं संभालनी है और वो है अजूनी। अजूनी रे, अजूनी रे, अजूनी रे, अजूनी रे। अजूनी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे स्टार भारत पर।